हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं बड़ी मजेदार और बड़ी जबरदस्त चीज लाया। वो चीज है खाली उन आलसी लोगों के लिए जो ढंग से एक पानी का लोटा भी नहीं भर सकते। जी हाँ, तो मैं वो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये। आप ये सोच रहे होंगे कि इससे और आलसी लोगों से क्या कनेक्शन। तो भाई साहब, यही वो चीज है जो हर एक आलसी अपने पास से आएगा। अब जैसे कि आलसी बनने की हद बताओ, तो जैसे कि अब आप सो रहे हो, अब आपको लाइट चालू करनी है तो बोलोगे यार कौन उठेगा यार क्या करेगा। हाँ, तो उन्हीं आलसी लोगों के लिए बना है होममेड स्मार्ट स्विच। ये जो स्विच है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसका प्राइस है 600। आपको ये अमेजोन से 600 में मिल जाएगा। ऐसी काफी सारी कंपनी है, सोनो, होम्समेट वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसको आप फैन लाइट कोई भी स्विच हो गया, एसी, कुछ भी जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और मेरा एक ये रिक्वेस्ट थी, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मैं आपको एक और डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, जो आप लोग घर में स्विचेस, स्मार्ट स्विचेस लगाते हो और वो काफी महंगी होती है और उसमें ऐसा कि वो जल्दी खराब भी हो जाती है, पर ये जो चीज है ये है 600 रुपए की चीज और ये खराब होना इम्पॉसिबल, भले मेड इन चाइना हो। तो दोस्तों, बी रेडी एंड प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों, हमें इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिएगा एक स्क्रू ड्राइवर, एक प्लग जिसके अंदर हम आउटपुट का सोर्स देंगे, एक सेलो टेप हो गया और एक मोबाइल हो गया और एक दूसरा वायर जो हम इनपुट करेंगे और एक ये वाला कनेक्शन जो हम आउटपुट करेंगे। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि आप ये देख सकते हैं, एन मतलब न्यूट्रल और ये एल मतलब जो मेन वायर आता है, वो मुझे मालूम नहीं एल का मतलब क्या है। और ये हो गया इनपुट और ये आउटपुट। इसमें क्या है कि जो वायर हम एन में डालेंगे वही वायर हमें एन में यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं इधर। सबसे पहले ये जो एन मैंने ओपन किया, ये एन का वायर मैं इसमें डाल देता हूँ। थोड़ा मैं इसे मोड़ दूंगा ताकि ये अच्छे से अंदर फिट हो जाए। मैं कर देता हूँ इसे बंद। इसे बड़े ही आराम से कीजिएगा बंद, नहीं तो वायर टूटने की चांसेस ज्यादा है। मैं डालता हूँ दूसरा वाला वायर। पहले मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। ये बदले वाले इसलिए आपको पूरा स्क्रू ओपन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऐसे प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद इसे बंद कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लॉक कर दीजिए। अब दूसरी जगह मैं आउटपुट का ओपन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं सेम टू सेम चीज़ ये यहाँ पे भी ऐसी है। तो अभी मैं दूसरे दो वायर लूँगा। एन वाला जो है, एन वाला इसमें मैं डाल देता हूँ।
लास्ट एंड फाइनल वायर। चलो मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। खाली मैंने एक एक स्क्रू लगाया आपको डेमो दिखाने के लिए। तो अभी ये जो है ये सर्किट जो है पूरा हो चुका है। तो हालांकि इसमें ऐसा है कि जो L और N है, L और N, तो हमें आगे भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जो N न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल में जावे और जो लाइन का है वो लाइन में जावे। अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी ये काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं ये जो है इसे सेट करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी L और N लिखा हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा मैं इसे छेल दूंगा आगे से। मैं क्या करूँगा जो L वाला है वो डालूंगा इधर लाइन में। और जो N है वो मैं डालूंगा N के अंदर। इसे आप एकदम परफेक्टली टाइट कीजिए, वरना अगर वायर निकल जाएगा तो पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। चलिए आउटपुट का तो ये कनेक्शन बैठ गया है, अभी हमें करना है इनपुट का कनेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक ये अलग से एक्सटेंशन वायर बनाया हुआ है। तो ये जो एक्सटेंशन वायर है ये ब्लैक जो मैंने पट्टी बांधी वो है एल का, मतलब लाइन का। यहाँ से मैं इसे जोड़ दूंगा। ये वायर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आगे वो जो है ये पिन लगी हुई है, तो मुझे वापस पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप ये सिंपल वायर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये पूरा सर्किट डायग्राम एक बार वापस दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोनों को सेरा टेप लगा दूंगा ताकि ये करंट आने के चांसेस नहीं रहे। अब मेरा सर्किट जो है वो हो चुका है कंप्लीट। तो फाइनली अब मैं इसको दूंगा पावर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू लाइट आपको शायद से कैमरे में नहीं दिखेगी, ब्लू लाइट जो है वो हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको रीसेट। तो मैं इसे कुछ 5 सेकंड दबा के रखूँगा। तो ये रीसेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसके कनेक्शन का। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो है इसके प्ले स्टोर पे जाना है
यहाँ पे लिखना है हमें होममेड। यहाँ से अभी हमें ये होममेड ऐप को जो है अभी इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने तो इंस्टॉल किया हुई है और यहाँ पे आप जो है आप लॉगिन यहाँ से बना सकते हैं और मैंने लॉगिन किया हुई है। आप लॉगिन आराम से, काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो ये जब ऐप खुलेगा लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ प्लस दबाना है। प्लस दबाने के बाद हमें करना है ऑटो स्कैन और यहाँ पे एक्सेस लोकेशन चालू रखना है और इनेबल वाईफाई जो है वो भी ऑन रखना है और इनेबल ब्लूटूथ भी आप इनेबल कर दीजिए। तो क्या इसे सर्च करने में इसे काफ़ी आसानी रहेगी। फिर करना है स्टार्ट स्कैनिंग। तो ये क्या करेगा, इंश्योर द डिवाइस रेडी फॉर कनेक्शन, सर्चिंग डिवाइस नियर बाय। अगर वो सर्च नहीं हो रहा है तो एक बार आप ऐप बंद करके वापस प्लस दबाएंगे और प्लस दबाने के बाद फिर करना है ऑटो स्कैन। ऑटो स्कैन जैसे ही करोगे यहाँ पे आ जाएगा स्मार्ट स्विच ब्रेकर, यहाँ पे अभी क्लिक, ये एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है नेक्स्ट और यहाँ पे डालना है हमारे घर का पासवर्ड वाईफाई का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैं करता हूँ कन्फर्म। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, कनेक्ट हो चुका है, एडेड सक्सेसफुली। तो अभी हम चाहे तो इसका यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जॉब पर अपना। अब यहाँ से कर दूंगा मैं डन। तो फाइनली जो है हमारा डिवाइस ऐप के साथ कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने डायरेक्ट मेरा चार्जर रिकनेक्ट कर दिया है मोबाइल का। तो अभी जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये इधर 79 और इधर चार्ज दिखा रहा है। अब मैं इसको कर दूंगा ऑफ, तो हो गया चार्ज बंद। अब वापस मैं इसको करता हूँ ऑन, आप देख सकते हैं चार्जिंग होना शुरू हो गया। तो दोस्तों फाइनली जो है ये सर्किट जो है ऐसे अब कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ना नहीं पढ़ना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँ। तो दोस्तों ये वीडियो जो है अभी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप ये कनेक्शन, ये जो दो एंड है वो आप कहीं भी जोड़ सकते हो, पंखा, एसी, लाइट वगैरह वगैरह, जहाँ आपको अच्छा लगे। पर वो 220 या 240 जो रेगुलर अपने वोल्टेज आता है, जो टॉरेंट देती है, आप उसी हिसाब से आप इसे पूरा यूज़ कर सकते हो।